Shut up and sit down. उसके इस आवेश से अम्मा आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि अनुराधा का यह रूप उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्हें लगा था कि वह पैसों को पाने के लिए यह सब कर रही है। अनुराधा ने तुरंत ही शहर जाने का निर्णय कर लिया। आंतरिक संतुष्टि के साथ साथ आज उसे बाहरी व्यवस्थित साज सज्जा पर भी विद्रोह की आवश्यकता अनुभव होने लगी। उसने साड़ी बदली, बाल सवारे तथा विधवाओं के लिए त्याज्य समझी जाने वाली बिंदी भी लगाई, क्योंकि वह अनुभव कर रही थी कि वेशभूषा भी व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसे जीवन को सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित बनाना है तो दिखना भी वैसा ही होगा। स्वयं में आत्मविश्वास भरने के लिए उसे जीवन में सहजता अपनानी होगी। असहज और अलग दिखकर वह सामान्य जीवन कैसे जी पाएगी, और आखिर क्यों दिखे वह अव्यवस्थित? अनुराधा के एक ठोस निर्णय ने अब उसके समक्ष आने वाली सारी बाधाओं को छोटा कर दिया था, इसलिए वह अकेली ही अजय का घर ढूंढकर उसके पास पहुंच गई। देवर देवरानी पहले तो उसका साहस देखकर हैरान हुए, पर शीघ्र ही उनके मन में श्रद्धा भाव जागृत हो उठा। उन दोनों के पैर छूने पर अनुराधा सोच में पड़ गई, क्योंकि उनसे इस प्रकार के व्यवहार की उसे उम्मीद नहीं थी। वास्तव में पति की बीमारी के समय उसने सब रिश्तों को जिस प्रकार टूटते देखा था, अपने को जैसे बदलते देखा था, उसके बाद बीमारी से भय, घृणा तथा क्रोध के भाव ही उसे सबकी आंखों में तैरते दिखते थे। उपेक्षाओं के बीच जीते हुए वजह के आदरपूर्ण व्यवहार से चौंक गई। देवरानी करुणा ने भी उसे संबल दिया तथा उसका बाहर निकलना उचित माना। यह जानकर कि वह सास ससुर की इच्छा के विरुद्ध अपना इलाज करवाने चली आई है, दोनों पति पत्नी मौन हो गए। अनुराधा के पूछने पर अजय ने स्पष्ट किया कि वह समझ गया है कि जीवन में आए संकटों तथा जिम्मेदारियों से भागना संभव नहीं है, तथा न ही यह उनसे बचने का स्थायी उपाय है। सावधानियां बरतना उचित है, किंतु भय से भागना अनुचित। मनुष्य को इसी संसार में, इसी समाज में रहना है तो उसकी बुराइयों, कमियों, कष्टों से बचकर वह कहाँ भागेगा। अजय का यह निष्कर्ष सर्वथा उचित है। सच है कि एड्स हो या कोई अन्य बीमारी, संसार का कौन सा ऐसा भाग है जो इन सब से रहित है? सावधान रहे तो हम इन खतरनाक बीमारियों से बचाव के उपाय ढूंढकर उसे पराजित कर सकते हैं, उसका निदान खोज सकते हैं। पर अगर ऐसे में यदि हम रोगग्रस्त व्यक्ति को छोड़कर ही चले जाए, उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे, उसकी जांच करवाए बिना उसे रोगी मान ले, बीमारियों के निदान के लिए प्रयास ही न करें, तो इस प्रकार तो इस जैसे रोगों के संकट समाज को घेरे ही रखेंगे। अजय का आत्मविश्वास से पूर्ण यह निष्कर्ष हमें भी संघर्षों से जूझने तथा उन पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। अनुराधा भी संघर्षरत थी। विचारों में अंतर्द्वंद चल रहा था। उसे लग रहा था कहीं वह जांच करवाने के बाद रोगग्रस्त पाई गई तो क्या होगा, उसका बच्चा क्या इस प्रभाव से बच पाएगा। इन प्रश्नों के बीच घिरी होने पर भी अजय के आत्मविश्वास ने कहीं उसे भी इस निष्कर्ष पर ला खड़ा किया था कि इन सब प्रश्नों से डरना, परिस्थितियों से भागना अथवा कर्महीन रहना उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन युद्ध भूमि, कर्म भूमि है, तथा अनुराधा उसमें संघर्ष के लिए तत्पर। वह जीने के लिए, अधिकारों के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने को कटिबद्ध है। इस मार्ग में अब कोई बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। संस्कार, मोह तथा संबंध आदि से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि आवश्यक हुआ तो शालीनता को भी त्याग कर, वह अनवरत इस जीवन संघर्ष में जुटी रहेगी। इस कहानी का अंत वास्तव में नारी के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की शुरुआत है। यहाँ अनुराधा के जीवन में एक नया मोड़ आता है, जहाँ से वह स्वयं के लिए जीवन जीने का संकल्प लेती है। पाठगत प्रश्न 15.3। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. अजय के साथ अनुराधा का संयुक्त खाता खुलने पर अनुराधा को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि क. अजय सारी धनराशि का स्वामी बन गया था। ख. अजय विश्वास पात्र नहीं था। ग. अनुराधा के सास ससुर देवर को कहकर पैसे निकलवा सकते थे। घ. पति की संपत्ति पर उसके सहज अधिकार को नकारा जा रहा था। इसका सही उत्तर है घ. पति की संपत्ति पर उसके सहज अधिकार को नकारा जा रहा था। 2. शहर जाने से पूर्व अनुराधा ने बिंदी भी लगाई, क्योंकि क.
वह नहीं जानती थी कि यह सुहाग चिन्ह सिर्फ सुहागनों के लिए है। ख, वह अपनी सास को पीड़ा पहुंचाना चाहती थी। ग, व्यवस्थित साज सज्जा से वह स्वयं में आत्मविश्वास भरना चाहती थी। घ, वह आकर्षक और सुंदर दिखना चाहती थी। इसका सही उत्तर है ग, व्यवस्थित साज सज्जा से वह स्वयं में आत्मविश्वास भरना चाहती थी। तीन, जब अनुराधा अजय के घर पहुंची तो क, देवर देवरानी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। ख, दोनों ने तुरंत आगे बढ़कर उसके चरण छुए। ग, उसे संक्रामक रोगी समझकर दोनों दूर चले गए। घ, सास ससुर की बात न मानने के कारण उसे बुरा भला कहा। इसका सही उत्तर है ख, दोनों ने तुरंत आगे बढ़कर उसके चरण छुए। अंश पांच, आइए अब कथा के शीर्षक पर विचार करें। किसी भी रचना का उपयुक्त शीर्षक वह होता है जो उसके मूल कथा से पूरी तरह जुड़ा होता है। इस दृष्टि से अनुराधा शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि कथा का ताना बाना उसकी प्रमुख नायिका अनुराधा पर ही बुना गया है। पूरी कथा उसके इर्द गिर्द घूमती है। दूसरे पात्र इसमें यदि आए भी है तो भी वह अनुराधा की ही चारित्रिक विशेषताओं को उभारने में सहायक सिद्ध होते हैं। अनुराधा एक ऐसी भारतीय नारी का प्रतीक है जो संस्कारों और शालीनता से बंधी अपने पितृ तथा पति गृह के सारे दायित्वों को पूर्ण करती है, जो चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती तथा मर्यादाओं में रहकर अनेक विडंबनाओं का शिकार बनती है, परंतु अंततः वह सीख जाती है यदि अपना अस्तित्व कायम रखना है तो अपना आत्मबल एकत्रित कर संघर्षशील बनना ही होगा। जीवन की इस रणभूमि में बहुत कुछ त्याग कर ही युद्ध के लिए उतरना होगा, तभी वह उसमें विजयी होने की आशा रख सकती है। वह स्वयं इस क्षेत्र में कदम उठाकर सिद्ध करती है कि आज की नारी को अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा तथा संघर्षशील बनना होगा। कहानी का यह संदेश अनुराधा के माध्यम से ही उभर कर सामने आता है। इस दृष्टिकोण से यह शीर्षक पूर्णतः उचित है। 15.4 भाषा शैली। पंकज कुमार की प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान है। कथा का उद्देश्य प्रमुख रूप से वर्तमान समाज में नारी की समस्याओं को उभारना तथा उसे जागरूक बनाना है, इसलिए इसमें चिंतन प्रधान शैली प्रमुख है। नारी मन की अंतर्व्यथा का वर्णन करते हुए मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। उदाहरणतः अनुराधा का यह स्वतः कथन पढ़िए। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती थी। एक मानसिक आरोग्यशाला में किसी मनोरोगी की भयावह मौत तो मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती। मुझे मुक्त होना ही होगा अतीत से, अपने रोग से और अपने भय से। इसी प्रकार मेरी प्रभावपूर्ण व्यवस्थित साज सज्जा मुझे आत्मविश्वास से भरती है। मैं क्यों नकारूं, मैं क्यों त्यागूं अपना सहज जीवन। उपर्युक्त वाक्य जहां अनुराधा का आत्म मंथन दर्शाते हैं, वही प्रश्नात्मक शैली के माध्यम से समाज के सामने प्रश्नों की झड़ी सी लगा देते हैं। पाठक मजबूर होकर इनके हल तलाशने लगता है। वह सोचने लगता है कि उसने अब तक समस्याओं से बचकर भागने से क्या पा लिया। अजय के संवाद के माध्यम से लेखक कहता है, डर कर आदमी कहाँ तक भागे, जिम्मेदारियां तो है ना, घर की, परिवार की, समाज की। सावधानी तो ठीक है, लेकिन डर किस किस से भागूंगा, दुनिया से भाग सकूंगा क्या। विजय की मृत्यु के बाद की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए वित्तात्मक शैली का भी प्रयोग है, जहां विस्तार पूर्वक अनुराधा के माध्यम से एक भारतीय विधवा की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। गांव के घर का वर्णन करते हुए वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं समस्याओं को उभारने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग है। जैसे अनुराधा अपने विवाह पूर्व जीवन का वर्णन करते हुए कहती है कि मैं ललित कला को अपना कैरियर बनाना चाहती थी, लेकिन माँ की जिद थी कि ब्याह के बाद लड़की को घर संभालना चाहिए और फिर जब मर्द कमा रहा हो तो औरत को काम करने की क्या जरूरत। स्पष्ट है कि नारी ही नारी के अस्तित्व को कुछ नहीं समझती, न ही उसे सही राह सुझाती है, उसे आत्मनिर्भर बनने से वे रोकती भी है।